सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, जिसे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक तरीके की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है। मान लीजिए अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो हमें कैसे पता चलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसमें से एक टेक्निक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR भी ऐसी ही कुछ टेक्निक्स हैं। तो अगर आपने मेरा NPV और IRR वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाले वीडियोज़ पहले देख लीजिए इस वीडियो से पहले, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि अगर आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट इवेल्यूएट करना है कि उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर आप इवेल्यूएट कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और NPV का कैसे कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखेंगे कि ये कैलकुलेशन हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज का मतलब है जितना भी आपका नेट कैश फ्लो आ रहा है हर साल। लेट से 5 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो कैश इनफ्लो जितना 5 साल में आया हर साल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, खाली इनफ्लोज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी लगाई थी तो उसका ये रेशो हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर हम इसे बेनिफिट या कॉस्ट के रेशो में अगर इसको कहना चाहें तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। मतलब दोनों का सेम ही है, यहाँ पे भी आपको सेम कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे कॉस्ट बेसिकली आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार रेंटिंग कंपनी है जो इवेल्युएट कर रही है कि मेरे को एक नए रूट पे अगर गाड़ी चलानी है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, और उससे वो पता लगाना चाहते हैं कि उन्हें वो गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं। अब लेट से ये जो नया रूट पे वो गाड़ी चलाना चाहते हैं, इसकी लेट से 10 लाख रुपए की कॉस्ट है एक गाड़ी की जिसको वो उस रूट पे चलाना चाहते हैं। तो इसके अगर हम कैश फ्लोज देखें तो लेट से इस तरीके के इसके कैश फ्लोज बनते हैं। ये देखिए, ये आउटफ्लोज हो गए, ये आउटफ्लोज मैंने नीचे की तरफ लिखे हैं। तो ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये मैंने 0 टाइमलाइन पे डाली है, मतलब आज की डेट में अगर ये 10 लाख रुपए डालते हैं और लेट से पहले साल के अंदर 1.5 लाख रुपए गाड़ी कमा के देती है, तो ये नेट कैश फ्लोज जो हैं इनफ्लोज पहले साल के 1.5 लाख रुपए आते हैं, ठीक है जी। सेकेंड ईयर में लेट से ये 2 लाख रुपए कमाती है, तीसरे साल में ये 3 लाख रुपए कमाती है, चौथे साल में अब गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है, लेट से थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है उस रूट पे, तो 2.5 लाख कमाती है। पांचवें साल में हो सकता है इस गाड़ी को बेच दे कंपनी, तो लेट से टर्मिनल कैश फ्लो 4 लाख में मान लीजिए 5 साल बाद गाड़ी बिकती है, और 2 लाख ये ऑपरेशन से कमा लेती है, तो ऑपरेशन के कैश फ्लो 2 लाख हो गए। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब अगर आपने उस गाड़ी को या प्रोजेक्ट को बेच दिया, ठीक है जी, तो वो वाले कैश फ्लोज हो गए। तो 4 लाख के कैश फ्लोज अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो टोटल मिला के ये आपके 6 लाख के कैश फ्लोज आ गए पांचवें साल में। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन सारे कैश फ्लोज की, ये 5 के 5 कैश फ्लोज की। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ये जो 5 कैश फ्लोज हैं हम इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो इसकी मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज जो होगी वो निकल के आपकी आ जाएगी 1,78,280 रुपए, ठीक है जी। तो ये जो 1,78,280 है ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से निकाली है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कैसे निकलती है। बाकी मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला अपना वीडियो बनाया है, आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि ये कैसे निकालते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। और अगर हम इसकी NPV निकालेंगे, NPV होती है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके अंदर आपकी ये इन्वेस्टमेंट भी काउंट हो जाती है नेगेटिव में, राइट। तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो इस केस में 1,78,280 आएगी, राइट। तो हम NPV से भी पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, राइट। तो मैंने NPV वाले अपने वीडियो में बताया था कि अगर आपकी NPV पॉजिटिव हो जाती है, मतलब आप जितना भी एफर्ट ले रहे हैं, राइट, तो अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो आपका कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप कोई एफर्ट ले रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे हैं,
तो एनपीवी आपकी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव होती है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप मेरा एनपीवी वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, और आप इनफैक्ट एनपीवी वाला वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले देख लीजिए, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम वापस अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो ये मैंने बात कर ली आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लोज की, तो इसको हम देख लेंगे कि एक्सेल में कैसे कैलकुलेट होता है, पर अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझ लेते हैं। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज निकालेंगे, और इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली आपका 10 लाख यहाँ पे आपने जीरो डेट में इन्वेस्ट किया, राइट? तो ये सीधे सीधे आपकी 10 लाख वैल्यू हो गई, तो ये आपका 10 लाख यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज आ गया। तो अब आप क्या करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आपका ये हो गया 11,78,280 डिवाइडेड बाई आप 10 लाख रुपए कर देंगे, राइट? तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये 1.18 निकल के आ गई। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से हमें समझ में क्या आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आप 1 रुपया कहीं पर डालते हैं तो आपको 1 रुपये 18 पैसे मिलते हैं इस प्रोजेक्ट से। दैट मीन्स हर रुपए पे आप 18 पैसे कमा रहे हैं, राइट? 0.18, तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट के एक तरीके से 18% रिटर्न्स आ गए हैं, राइट? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको एक तरीके से ये रिटर्न्स बता देता है और आप हर रुपए पे कितना पैसा कमाएंगे। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मोर देन 1 है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लेस देन 1 है तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर लेस देन 1 हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट मींस आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कम है आउटफ्लोज से, मतलब कि आपकी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उतना पैसा भी नहीं बन रहा है आपका, राइट? तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मोर देन 1 होगा तभी आपको वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर दूसरा एनपीवी जो होता है वो आपका ये बताता है कि वो प्रोजेक्ट कितनी वैल्यू एड कर रहा है कंपनी के अंदर। तो जैसा हमने 1,78,280 रुपए इसकी एनपीवी देखी थी, तो दैट मींस ये 10 लाख रुपए का जो एफर्ट डाल रही है कंपनी और जो रिस्क ले रही है उससे वैल्यू एड जो हो रही है कंपनी के अंदर वो 1,78,000 रुपए की हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली आपको बता रहा है कि आप हर रुपए पे कितना पैसा कमाएंगे, राइट? तो अब हम इसे एक और एग्जाम्पल में समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात की थी कि अगर आपको खाली एक प्रोजेक्ट एनालाइज करना है तो आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका कुछ लिमिटेड बजट है और आपको 3 प्रोजेक्ट्स में से चूज करना है। लेट से आपका बजट 10 लाख का है कंपनी के अंदर, और लेट से आप 2-3 ऑप्शंस देख रहे हैं कि आपको लेट से 10 लाख की कोई गाड़ी चलानी चाहिए, बड़ी गाड़ी चलानी चाहिए रूट पे, या फिर छोटी छोटी 2 गाड़ियां, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई 5 लाख की गाड़ी हो सकती है, कोई 4 लाख की, कोई 10 लाख की। तो लेट से प्रोजेक्ट ए बी और सी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी? तो हो सकता है एनपीवी इनकी अलग अलग हो। अब एनपीवी हमने लेट से प्रोजेक्ट ए के अंदर, तो ये अब हमने सेम वाला ही प्रोजेक्ट मान लिया है कि 1,78,280 रुपए है। दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लेट से आपकी एनपीवी आती है 1,50,000, और तीसरे प्रोजेक्ट में आती है आपकी एनपीवी 1 लाख रुपए। तो अगर आप एनपीवी के हिसाब से जाएंगे तो आप हो सकता है कि आप कहें कि प्रोजेक्ट ए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये 1,78,000 मतलब सबसे ज्यादा एनपीवी दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे कंपनी के अंदर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अधूरी है, हमें ये नहीं पता कि ये हमने कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कमाई है। तो मान लेते हैं, अब हमारे पास मान लीजिए और इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। लेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपकी जो इनफ्लोज है आपकी 11,78,000 हो गए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी। दूसरे केस में ये जो 1.5 लाख रुपए कमाए आपने ये खाली 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कमा लिए, राइट? तीसरे केस में ये जो 1 लाख रुपए आपने कमाए ये खाली 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कमा लिए। तो ऐसे केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपकी हेल्प करता है प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लेंगे इन सारे के सारे कैश फ्लोज का, सारे प्रोजेक्ट्स का। तो हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में ऑलरेडी निकाल लिया था, राइट? 1.18 आ गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दूसरे वाले केस में आप ये 6.5 लाख को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 1.3 आ गया, और प्रोजेक्ट सी के अंदर आप 5 लाख को 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 आ गया। अब देखिए आप कि ये प्रोजेक्ट बी आपको सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे हर रुपये पे आप 30 पैसे कमा रहे हैं, राइट? तो और इस केस में आप हर रुपये पे 18 पैसे कमा रहे थे, इस वाले केस में आप हर 1 रुपये पे आप 25 पैसे कमा रहे हैं, ठीक है जी? तो अब प्रोजेक्ट बी आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट हो जाता है, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि देखिए आपका बजट तो 10 लाख का था, तो मान लीजिए आपने अगर ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो 5 लाख तो आपके फिर भी बैंक में पड़े रह गए, राइट? तो आप उसके ऊपर तो कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा ही नहीं पा रहे हैं।
आप चाहते हैं कि भाई मेरे 10 लाख के 10 लाख कहीं इन्वेस्ट हो जाएं और मेरे रिटर्न्स भी बढ़िया आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये 5 लाख रुपए की एक गाड़ी है जो उस रूट पे चलाई जा सकती है, तो आप ऐसी दो गाड़ियां चला दीजिए अगर ये पॉसिबल है। तो आप 5 लाख की अगर दो गाड़ियां चला देते हैं तो आपका ये जो एनपीवी है ये यहां पे डबल हो जाएगा। तो अब देखिए आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई, अगर आपने ये प्रोजेक्ट बी की दो गाड़ियां चला दी तो आपकी 3 लाख की नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई यहां पे। अब 3 लाख की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इससे कहीं ज्यादा हो जाती है। प्रोजेक्ट ए के केस में अगर हम देख रहे थे तो वो 1,78,000 आ रही थी, राइट। तो इसलिए आप अगर पूरा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, आप एनपीवी भी कैलकुलेट कीजिए, आप साथ में आईआरआर भी कैलकुलेट कीजिए। आईआरआर आपको हर साल के एनुअल रिटर्न्स बता देता है। फिर साथ में आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख सकते हैं और आप पेबैक पीरियड भी देख सकते हैं। पेबैक पीरियड के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, तो इनके ऊपर मैं सबके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं। ये हर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अगर आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा वो प्रोजेक्ट आपको दे क्या रहा है, और फिर आप प्रोजेक्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हर कंपनी का, हर बिजनेस का, या फिर एज एन इंडिविजुअल हमारा ये होना चाहिए गोल कि हम जहां भी पैसा इन्वेस्ट करें हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, कि हमारी कंपनी में उस प्रोजेक्ट की वजह से या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से कितना मैक्सिमम पैसा ऐड हो सकता है, वैल्यू ऐड हो सकती है उस कंपनी की, यही हमारा गोल होना चाहिए। तो चलिए, आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्विकली एक्सेल के अंदर देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये सारे कैश फ्लोज प्लॉट कर दिए हैं। तो ईयर जीरो में हम अगर इनफ्लोज की बात करें तो ईयर वन से ये इनफ्लो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कैश इनफ्लोज। तो ये 1.5 लाख ईयर वन में हो गया, 2 लाख ईयर टू में, 3 लाख ईयर थ्री में, ईयर फोर में 2.5 लाख, और हमने ईयर फाइव में 6 लाख पकड़ा था। 4 लाख हमने अगर मान लीजिए गाड़ी बेच दी तो 4 लाख का आएगा, 4 लाख अमाउंट आएगा, और ऑपरेशंस के कैश फ्लो 2 लाख हो गए, तो ये टोटल 6 लाख के कैश फ्लोज हो गए ईयर फाइव के अंदर। तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज होगा वो हम कैसे निकालेंगे, हम इज इक्वल टू एनपीवी दबाएंगे। मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। आप इज इक्वल टू एनपीवी करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये आपसे जो जो वैल्यूज मांग रहा है आप वो डालते जाइए। रेट का मतलब है डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं एनपीवी वाले वीडियो में भी आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। डिस्काउंट रेट, अब यहाँ पे आप वो वाला डिस्काउंट रेट लेंगे जितना पैसा आप लेट से रिस्क फ्री कमा सकते हैं। तो रिस्क फ्री अगर हम मान लेते हैं कि आप पैसा लेट से 7% के हिसाब से एफडी में अगर कमा सकते हैं, तो आप यहाँ पे 0.07 डाल दीजिए, ये आपको रिस्क फ्री मिल जाता है। ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसका मतलब कि अगर आपने ये पैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया होता तो कहीं और लगाया होता लेट से, तो आपको कितना इंटरेस्ट पड़ जाता वहाँ पे। और वो पैसा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, राइट, या आपको कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं आपको 7% का एफडी का रेट बोलता हूँ तो मेरे ख्याल से वो रिस्क फ्री रेट होता है, हम वो पकड़ लेते हैं यहाँ पे। आप अगर चाहें, आपको लगता है कि आप 10% रिस्क फ्री कमा सकते हैं किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से, तो आप 10% ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से लगाइए आइडिया, हर कंपनी के लिए ये अलग डिस्काउंट रेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड कर सकता है। फिर हम कॉमा लगा के स्पेस डालते हैं और हम ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जिन भी वैल्यूज की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा नेट, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया कैश इनफ्लोज का। तो ये हमारे कैश इनफ्लोज थे सारे 5 साल के, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 11,78,280 रुपए। फिर उसके बाद तो हमें कुछ खास करना ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज तो 10 लाख रुपए ही रहेगी, राइट, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ईयर जीरो पे। बस हमने क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देना है, और ये आपकी वैल्यू सीधा सीधा 1.18 आ गई, जैसी हमने मैनुअल कैलकुलेशन में भी देखा था, राइट। तो इस तरीके से आप अपना ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब अगर आप ये नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, और उसमें डिस्काउंट रेट किस तरीके से हम लेते हैं वो भी मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग था या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस के आपसे डिटेल वीडियोस शेयर करूं, हर रोज मैं इस तरीके के काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।